दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे सर्फ गंधा के फायदों के बारे में। दोस्तों दुनिया भर में सर्फ गंधा की बहुत सी किस्में होती है, लेकिन ज्यादातर किस्मों के लाभ समान होते हैं। भारतीय सर्फ गंधा दो सदियों से चिकित्सा के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता रहा है, क्योंकि ये जड़ी बूटी सांप के काटने को भी दोस्तों कम कर देती है, सांप के जहर को भी कम कर देती है, इसलिए इसका नाम दोस्तों सर्फ गंधा है। सर्पगंधा की जड़ को सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जड़ को चबाकर या फिर सुखाकर पाउडर बनाकर आदि तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। चबाकर इसका सेवन करना सबसे पारंपरिक तरीका है। तो चलिए जान लेते हैं इसके फायदे। दोस्तों सर्पगंधा हमारे हृदय की बढ़ती हुई गति को सामान्य करता है। सर्पगंधा की जड़ों का रस अथवा अर्क को हाई बीपी में बहुत लाभकारी माना जाता है। ये धमनियों का सख्त होना, दिल का दौरा, स्ट्रोक जैसी स्थितियों को रोकने में दोस्तों मदद करता है। ये तनाव को भी कम करता है। सर्पगंधा हमारे मानसिक तनाव, चिंता, उत्सुकता को कम करने में बहुत सहायक होता है। इसका शरीर पर एक हार्मोनल प्रभाव पड़ता है, जो कि आपके मूड को रीबैलेंस करता है और हल्के अवसाद से बाहर खींच सकता है। कुछ लोग नियमित रूप से सर्पगंधा को हल्के शामक अथवा नशीले पदार्थों के रूप में भी दोस्तों इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों घबराहट और पागलपन के उपचार में सर्पगंधा की जड़ों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा कहा जाता है, यदि मानसिक रूप से पागल किसी भी व्यक्ति को सर्पगंधा की पत्तियां खिलाई जाए तो उसका पागलपन दूर हो जाता है। यही कारण है कि भारत में सर्पगंधा को पागलपन की दवा के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपको नींद नहीं आती है तो भी सर्पगंधा लाभकारी होता है। भारतीय सर्पगंधा शरीर को आराम देने, शांत करने और नींद के लिए बहुत अच्छा होता है। भारतीय सर्पगंधा अनिद्रा, बेचैनी, सामान्य थकान से पीड़ित लोगों को अपने नियमित कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। अगर आप अनिद्रा के रोगी हैं तो रात को सोते समय 1/4 चम्मच सर्पगंधा चूर्ण घी के साथ मिलाकर खाते हैं तो इससे अनिद्रा की शिकायत दूर होती है। सर्पगंधा हमारी पेट की बीमारियों को भी दूर करता है। हजारों साल से दोस्तों पेट के संकट, दस्त, कब्ज जैसी बीमारियों को दूर करने में सर्पगंधा का उपयोग काफी प्रभावित माना गया है। सर्पगंधा का उपयोग आपके पेट को साफ करता है और अंदर की प्रणाली को सामान्य करता है। इसकी जड़ का चूर्ण पेट के लिए काफी लाभदायक होता है। इससे पेट के अंदर के कीड़े जो होते हैं खत्म हो जाते हैं, इसकी जड़ का सेवन करते हैं तो। दोस्तों ये पौधा सांप के काटने पर भी बहुत लाभकारी होता है। इस पौधे का उपयोग विभिन्न प्रकार के विषों को निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है। सांप के काटने पर उपचार में ये बहुमूल्य औषधि होती है। इसके अलावा सर्पगंधा का उपयोग ज्वर, हैजा, अतिसार आदि रोगों में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के दोस्तों डसने पर विष को बेअसर करने के लिए सर्पगंधा की जड़ को घिसकर जल में घिसकर पिलाते हैं और उस स्थान पर लगाते हैं तो इससे जहर का प्रभाव दोस्तों कम होता है। लेकिन आप केवल इसके भरोसे ही न रहे, आप डॉक्टर से भी इलाज जरूर करवाएं। मासिक धर्म में भी दोस्तों सर्पगंधा बहुत लाभकारी होता है। जो नियमित रूप से कष्टदायक मासिक धर्म से पीड़ित होता है, उसके लिए दोस्तों सर्पगंधा मासिक धर्म को ठीक करता है, समस्या को ठीक करता है। दोस्तों एक बात का ध्यान दें, सर्पगंधा सभी के लिए लाभदायक नहीं होता है। अधिक मात्रा में सेवन पेट में जलन आदि भी कर सकता है। इसलिए आप सर्पगंधा का अगर प्रयोग करते हैं तो एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें, क्योंकि वो आपकी सेहत को अच्छे से जानते हैं। दोस्तों अगर आप इसका सेवन करना भी चाहें तो आप 2-3 ग्राम सर्पगंधा के पाउडर का काढ़ा बनाकर भी आप पी सकते हैं। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है, लेकिन इस्तेमाल से पहले एक बार डॉक्टर को जरूर दिखा दें। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।